आप देख रहे हैं क्रिकप्लेक्स और आज के मैच प्रीव्यू में आप सभी का स्वागत है। और हर दिन की तरह आज हमारे स्टूडियो में फिर से द क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक जी मौजूद हैं। सर स्वागत है आप फिर से आपका। थैंक यू सर। आप हमारे स्टूडियो में हर वक्त क्रिकेट के फैंस को, क्रिकेट के ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, सर कैसा लगता है आपको? एक्चुअली मेरे लिए तो क्रिकेट मेरी लाइफ है। बिल्कुल। तो क्रिकेट के बिना मेरे को, मैंने कोई पल सोचा नहीं है बिल्कुल लाइफ में। तो क्रिकेट ही, मतलब बोलते हैं ना, मैं क्रिकेट ही जीता हूँ। एक्चुअली केकेआर पहले स्थान पे है और मुंबई इंडियंस आठवें स्थान पे है, और कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन इस बार मुंबई इंडियंस की टीम से देखने को मिला है। सर क्या कहना है आपका? देखिए, मुंबई इंडियंस तो डे फर्स्ट जो उनका मैच था और अभी तक लय पकड़ नहीं पाई हैं, जिनकी वजह से वो सबसे बॉटम पे हैं। और हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, सेम इन्हीं चीज़ों पे बात कर चुके हैं, प्रीव्यू में बहुत बारी बात कर चुके हैं। बिल्कुल। कि हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे उनकी कैप्टनसी, जैसे उन पर अनवॉन्टेड आई थिंक एक प्रेशर आ गया है, बींग हालांकि अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज के वो एक कैप्टन हैं और वो ऊपर से वो फ्रेंचाइज एक बहुत ही बड़े कैप्टन से लेके उनको दी गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर उनके ऊपर था जिसकी वजह से बॉन्डिंग बन नहीं पाई बीच में प्लेयर्स के बीच में। हमने देखा है कि प्लेयर्स इतने बिखरे बिखरे रहते हैं बिल्कुल, और कभी बॉलिंग में कभी बैटिंग में लैग कर जाते हैं, तो इस वजह से टीम, लेकिन हालांकि हाँ पिछले कुछ मैचेस से, पिछले एक दो मैचेस से अच्छा कर रही है, कमबैक कर रहा है। पिछले मैच में सूर्य कुमार ने जो सेंचुरी लगाई थी उसकी वजह से एक जीत हासिल उन्होंने की है पिछले मैच में जी। बट ओवरऑल जैसा हम लोग मुंबई को देखना चाहते हैं वैसा ये साल मुंबई को दिखानी, और ये साल उनके लिए तो समाप्त है, अभी चाहेंगे कि एक अच्छी समाप्ति हो। बिल्कुल। काफ़ी आर्टिकल्स में और हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो है मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं अब जो है आईपीएल के प्लेऑफ से एलिमिनेट हो चुकी है, जो पूरे दौर से है एलिमिनेट हो चुकी है। सर बात करते हैं आज की मैच की। आज का जो मैच है वो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाना है, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट के अनुसार आज बारिश नज़र आएगी। देखिए बारिश नज़र आएगी तो देखिए आज ना बड़ा असमंजस स्थिति हो गई है, क्योंकि जनरली ईडन गार्डन में ड्यू पड़ती है बिल्कुल, लेकिन बारिश आएगी, हवा चलेगी तो वो ड्यू शायद खत्म हो जाएगी। तो लेकिन फिर उसमें क्या है, सेकंड फैक्टर ये है कि बारिश अगर आ रही है तो सेकंड बैट को फायदा है बिल्कुल, ड्यू है तो भी सेकंड बैट को फायदा है। तो ओवरऑल जो भी टॉस जीतेगा, या मतलब इनफैक्ट चेजर, अच्छा मुंबई इंडियंस भी अच्छी चेजर है और आपकी केकेआर भी अच्छी चेजर है, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट और एक अच्छा बढ़िया हमें मैच देखने को मिल सकता है। देखिए मैं केकेआर और मुंबई इंडियंस दोनों ही बहुत उम्दा खिलाड़ियों की मैं टीम कहूँगा, शुरू से अभी तक जब से आईपीएल का इतिहास शुरू है तब से है। और आज के मैच की बात कर ले तो कहीं ना कहीं ईडन गार्डन का जो सर पिच है उसमें काफ़ी बाउंस देखने को मिलता है और शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, तो एक स्कोर क्या कहेंगे, प्रोजेक्टेड स्कोर आपको कितना दिख रहा है? देखिए जैसे पिच नेचर अभी एट प्रेजेंट पिच का जो नेचर है, और पीछे शुरुआत में जो नेचर रहा था वो हाई स्कोरिंग का रहा था, फिर पिच स्लो होती गई, फिर थोड़े से कम रन बनने स्टार्ट हो गए, फिर बॉलिंग सपोर्ट हो गई पिच, और बॉलर भी नेरेन और डुओ है उनके पास, केकेआर के पास नेरेन और चक्रवर्ती, तो काफ़ी अच्छा बॉल डाल रहे हैं, खेलना मुश्किल हो रहा है, पढ़ना मुश्किल हो रहा है उनको। तो जो 200 की पिच थी वो मीन्स अब मेरे ख्याल से 170-175 के आसपास की पिच रहेगी, 170-175 के आसपास की पिच रहे। और जैसे कि हम क्रिकप्लेक्स पे हर प्रीव्यू पे हम कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उस पर नजर डालते हैं, सर मुंबई के तीन दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं इस सीजन उतने लय में नजर नहीं आते, तो क्या आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप पे प्रभाव डालेगा इनकी परफॉर्मेंस? देखिए हर फॉर्मेट अलग है, हर जैसे ये आईपीएल है तो इसमें प्रेशर अलग रहता है, वर्ल्ड कप उसमें प्रेशर अलग रहता है, आप वहाँ पे अपने इंडिया को प्रेजेंट करते हो, यहाँ पे आप अपनी स्टेट को प्रेजेंट, अपनी टीम को, पर्टिकुलर टीम को, एक प्राइवेट टीम को प्रेजेंट करते हो बिल्कुल, तो प्रेशर तो नो डाउट डिफरेंट रहता है। बट इस समय जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा रोहित का और हार्दिक पांड्या का, खासकर मैं कहूँगा बिल्कुल, मेरे को तीनों में से किसी की वो नहीं है इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती, एक हार्दिक पांड्या को छोड़ के बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक पांड्या का मनोबल जो है अभी पूरी तरीके से टूटा हुआ है बिल्कुल, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो वहाँ देखने को मिल सकता है बिल्कुल। बाकी जो सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा काफ़ी दिग्गज बल्लेबाज तो हैं। सर पिछले मैच की बात कर ले केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस, केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए जो 169 का टारगेट दिया था, लेकिन मुंबई इंडियंस 145 पे ही सिमट गई थी 18वें ओवर के 19 ओवर के अंत तक। देखिए आप देखोगे ना तो वो जो मैच हुआ था उसमें भी ड्यू फैक्टर था जी, उसके बावजूद ड्यू फैक्टर
को नज़रअंदाज करते हुए केकेआर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी, जहां पे चक्रवर्ती मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बॉल करके गए थे और उन्होंने अपनी टीम को जीत हासिल दिलाई थी। बिल्कुल, और साथ में नारायण ने सपोर्ट किया था। तो ये जो फ़र्क होता ना, ये एक मोमेंटम का फ़र्क होता है। केकेआर नंबर वन पे है अब, उसके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि वो देखो ड्यू को, मतलब ड्यू फैक्टर में भी बॉलिंग अच्छा कर गए। बिल्कुल, तो ये सारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव सोच की बात है कि वो उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेला, उन्होंने सोचा ही नहीं कि ड्यू हर ये है, और फिर ऊपर से मुंबई बैक ऑलरेडी बैकफुट पे थी तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्ट्रेटेजी हो गई मैच में, आए गए उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी। बिल्कुल, और केकेआर की जो ओपनर बैट्समैन है सुनील नारायण हो गया या फिर और जो बैट्समैन है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन जब शुरुआत के मैचेस हुए थे कहीं ना कहीं स्टार्क का जो फॉर्म था वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले मैच में 4 विकेट चटके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये अगर हम वर्ल्ड कप के हिसाब से देखें, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छी बात है। स्टार्क एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, नंबर वन बॉलर हैं, और उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टार्क, तो ये तो एक उनकी वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी चीज़ हो गई है कि स्टार्क की वापसी हो चुकी है। जी बिल्कुल, और स्टार्क की वापसी कहीं ना कहीं केकेआर को भी एक जो है अच्छे सम्मानजनक पोजीशन पर भी पहुंचा दिया, और मेरे ख्याल से आईपीएल कुछ अगर जीते तो कहीं ना कहीं स्टार्क का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहेगा। हेड टू हेड की बात करें तो अब तक दोनों टीमें आईपीएल मैच में सर 33 बार उतरी है, जिसमें केकेआर जो है सिर्फ 10 मैच जीती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सीज़न मुंबई इंडियंस का ख़राब गया है या जा रहा है, अभी दो मैचेस और बाकी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये टीम तो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से इसका आप देखोगे ना आंकड़े इसके हर एक टीम से बेटर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, आप मैच टू मैच करोगे, हेड टू हेड करोगे, तो अगर आप इसके सामने किसी और की टीम को भी रखोगे तब भी इसी का पलड़ा भारी रहेगा। 5 बार ये टीम विजेता रह चुकी है, आईपीएल विजेता रह चुकी है, तो टीम का ये सीजन बस बेकार गया, अदरवाइज टीम तो बहुत ही अच्छी है। और पिछले मैच में भी जब वानखेड़े में केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था, तो कहीं ना कहीं जब हम स्टैट्स को देख रहे थे तो 2012 के बाद केकेआर ने सर मैच नहीं जीता था, लेकिन अब जो है पिछला मैच उन्होंने जीता 12 साल बाद। अब ये भी देखिए, आप पिछले मैच में हालांकि वो अनफॉर्चुनेट हार गए हैं केकेआर की बहुत ही अच्छी बॉलिंग की वजह से, वो हारना बनता नहीं था। हाँ। बस वो हार, वो जो ये इनका इन ऑफ चल रहा है, और इनफैक्ट ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज है, इनफैक्ट लैक ऑफ स्ट्रेटेजी इसलिए है क्योंकि लैक ऑफ बॉन्डिंग है, जहाँ पे वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं, जिसमें मैं कैप्टनसी को काफ़ी हद तक इसमें ब्लेम करूँगा। तो बस ओवरऑल ये पूरी टीम एक एज ए टीम नहीं खेली, जिसकी वजह से उनका ये रिकॉर्ड भी टूटा। और सर हम शुरुआत से क्रिकेट में जो है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बारे में बात करें, सर रोहित शर्मा ने इतना कुछ खासा गंदा प्रदर्शन नहीं किया था मेरे ख्याल से, फिर आईपीएल में हार्दिक को कप्तान बनाना क्या स्ट्रेटेजी या जो भी सिलेक्टर्स हैं? देखिए ये तो हमें भी अभी तक पता नहीं चला कि ऐसी ज़रूरत क्या थी आपको कि आप हार्दिक को इतने, मतलब वो ट्रांसफ़र फीस उन्होंने, आई थिंक जो मैंने पढ़ा है, माइट बी आई एम रॉन्ग, 100 करोड़ के आसपास उन्होंने ट्रांसफ़र फीस दी, फिर उन्होंने वो दूसरे जो एक फ्रेंचाइज के ऑलरेडी कैप्टन थे उसको उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, फिर यहाँ पे कैप्टन बनाया। बिल्कुल, तो आई डोंट थिंक सो दैट इसकी कोई नीड थी उनको। हाँ। प्लेयर देखो, एक प्लेयर सीनियर प्लेयर हमेशा सीनियर रहता है, एक जो तजुर्बा है वो हमेशा काम आता है यहाँ पे। और इससे क्या हुआ हार्दिक के साथ, क्या हुआ हार्दिक ना तो अब उस टीम के रहे ना इस टीम के रहे, वो बीच में लटक गए, वो वहाँ पे अपनी टीम को 2 बार फाइनल में पहुँचा के एक बार खिताब भी दिलवा चुके थे गुजरात को, अब वो यहाँ पे आए तो उनका पूरा वो एक, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे गिर गए हैं कि जनता भी उनको पसंद नहीं कर रही है, हर जगह उनके लिए हूटिंग हो रही है। तो और आज के मैच के हम थोड़ा प्लेयर सर बैटल के बारे में बात कर लेते हैं, रोहित वर्सेस मिचेल स्टार्क एक अच्छा जो है हमेशा से एक बैटल रहा है केकेआर वर्सेस एमआई में, क्या लगता है आज कौन किसके बीच में बैटल अच्छी रहेगी और क्या रहेगा आज का निर्णय? देखिए बैटल तो मिचेल स्टार्क के साथ मेरे को लगता नहीं कि उसमें मिचेल स्टार्क रोहित को ओवरकम करेंगे। हाँ मेरे को नारायण जरूर लगते हैं कि वो कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखोगे नारायण का जो परफॉर्मेंस है, नारायण की जो सबसे बड़ी बात तो अभी तक नारायण अपनी ना दोबारा से फॉर्म में आए, बीच में ये फॉर्म में नहीं थे, जब से ये फॉर्म में आए तब से ये बैट में भी अच्छा कर रहे हैं और बॉल में भी अच्छा कर रहे हैं, तो नारायण काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल, और नारायण शुरुआत से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैच नंबर 60 केकेआर वर्सेस एमआई, एक बार फिर से हम सर प्रोजेक्टेड स्कोर के बारे में बताइए आप कितना? मेरे ख्याल से प्रोजेक्टेड स्कोर 170
के आसपास होना चाहिए 170 और 80 के पास। ईडन गार्डन का मैदान है सर, तो आपको क्या लगता है टॉस जीतकर पहले क्या करना? देखिए ईडन गार्डन का मैदान है, ऊपर से वेदर फोरकास्ट भी है, तो आई बिलीव जो भी टॉस जीतेगा उसको बॉलिंग लेनी चाहिए, पहले बॉलिंग लेनी चाहिए। तो मैच नंबर 60 ये थे हमारे साथ द क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक सर, KKR वर्सेस MI। हालांकि MI जो है कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो चुकी है IPL के 2024 से, और होप फॉर द बेस्ट। बाकी की सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे क्रिकप्लेक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।